इंडिया में सरोगेसी की शुरुआत समवेयर अराउंड 1978 में हुई थी पहला जो सफल आईवीएफ माना जाता है वो 1985 में हुआ था गेस्टेशनल सरोगेसी इंडिया में अलाउड है और एम्ब्रॉय ट्रांसफर किया जाता है सरोगेसी के लिए इंडिया के अंदर सरोगेसी लीगली अलाउड है बट उसमें किसी भी प्रकार की मनी इंसेंटिव या रिवॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए सेरोगेसी के लिए क्लोज रिलेटिव का भी होना जरूरी है 25 से 35 साल की उम्र का होना भी जरूरी है लेडी का मैरिड होना और ऑलरेडी चाइल्ड का होना भी जरूरी है सेरोगेसी में इन्वॉल्व होने के लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट मेडिकली इश्यू किया जाता है और यह साइकोलॉजिकली और मेडिकली फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 लाख रुपए से लेकर और 20 लाख रुपए तक का खर्चा सेरोगेसी में आता है सो so फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई आर डी ए आई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सरोगेसी को लेकर सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक सर्कुलर इश्यू किया है 10 मई 2023 को तो आइए हम इस सर्कुलर को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं सो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेम्स एल एल फ्रेंड्स आइए हम डिस्कस करते हैं आई की तरफ से 10 मई 2023 को सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में सरोगेसी से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके कवरेज के लिए तो फर्स्ट हम यहां पर बात करते हैं सरोगेसी एक्ट 2012 एंड ए एक्ट 2021 एंड द रेलिवेंट रूल्स दे आर अंडर तो सबसे पहले यहां पर आई का ये कहना है Ki an insurance coverage of such amount and in such manner as may be prescribed in favor of the surrogate mother for a period of 36 months covering postpartum delivery complications from an insurance company. और एन एजेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, द सरोगेट मदर इज इन पोसेशन सो यहां पर आई ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये सर्कुलर इश्यू किया गया किया है जहां पर की सेरोगेसी से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कवरेज देने की बात की गई है जिसको कि 36 मंथ के लिए दिया जा सकता है जिसमें सेरोगेसी uh, से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है uh, उनको भी कवरेज देने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज की द इंटेंडिंग वुमेन और कपल शेल परचेज अ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इन फेवर ऑफ सेरोगेट मदर फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स From an insurance company or an agent recognized by the Insurance Regulatory and Development Authority established under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act uh, for an amount which is sufficient enough to cover all expenses for all complications arising out of pregnancy and also covering postpartum delivery complications. So, here. Uh, जो कपल है वो भी पॉलिसी uh, चाहे तो परचेज कर सकते हैं और जो सरोगेट uh, मदर है वो भी चाहे तो पॉलिसी यहाँ पर परचेज कर सकती हैं यहाँ पर थर्टी सिक्स मंथ के लिए ये पॉलिसी जो है वो परचेज की जा सकती है जिसमें कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनकी कवरेज uh, जो है वो आइदर तो कपल को और आइदर सरोगेट मदर को कवरेज uh, करें हम uh, बात करते हैं एन इंश्योरेंस कवरेज ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ इन फेवर ऑफ डोनर बाय द कमीशनिंग कपल और वुमेन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी और एन एजेंट रिकग्नाइज बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब यहाँ पर यह होता है कि जो डेवलपिंग एग होता है उसको यहाँ पर uh, लिखा गया है कि उसके लिए यहाँ पर ट्वेल्व मंथ के लिए पॉलिसी जो है वो ली जा सकती है देन हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवरेज गारंटी फॉर ऑकीड डोनर द इंटेंडिंग कपल और वुमेन विल परचेज अ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज इन फेवर ऑफ ऑकीड डोनर फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी और एन एजेंट रिकोग्नाइज बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट

कवरेज uh, के लिए यहां पर बात की जा रही है सो ऑल इंश्योर बाई डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद विद द ऑफ टू एंड दूस दैट सुटेबल प्रोडक्ट आर मेड अवेलेबल सो यहाँ पर आई आर डी ए आई ने डायरेक्शन uh, और uh, सभी इंश्योरेंस कंपनीज को सभी इंश्योर को जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट uh, को डेवलप करने के लिए नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए और जो भी एग्जिस्टिंग उसमें सेरोगेसी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है उसके कवरेज के लिए फ्रेंड्स so uh, आज हमने डिस्कस किया आई की तरफ से 10 मई 2023 को जो सर्कुलर इश्यू गया किया गया है सभी जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को अपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में सरोगेसी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं जो ट्रीटमेंट है उसके कवरेज के लिए आज हमने ये डिस्कस किया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक सजेशन या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टर्निटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स अगर आप लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक यू